दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं CPCT से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में CPCT फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसका जो सिलेबस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने CPCT का सिलेबस और उसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से कब तक फिल किया जाना है, एग्ज़ाम कब होगा, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। आज से हम CPCT से रिलेटेड और सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा जिसमें करीब 20 क्वेश्चन होंगे। यह वह सारे क्वेश्चन हैं जो कि पहले से CPCT एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने CPCT के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया है, उनको पढ़ा है, उनका एनालिसिस किया है और उसमें से वह क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं, पेपर में पूछे गए हैं। इस बार जो CPCT का एग्ज़ाम है इसमें तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया गया है। 9 जुलाई से 20 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपका जो पेपर होगा वो 7 या 8 अगस्त को होगा। तो लगभग एक महीने में आपको CPCT की तैयारी करनी है जिसमें कि 52 मार्क्स के कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं। यदि आप कंप्यूटर क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो आसानी से क्लियर हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये वीडियो अपलोड की है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो उसके साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और सीखने मिलेंगे, समझने मिलेंगे, तो आप उन सबको भी नोट करते चलें। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कुछ इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आते हैं CPCT एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए उपयोग किया जाता है। एक शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बतानी है जिसका यूज़ हेल्प के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है F4, ऑप्शन बी है F1, ऑप्शन सी है F2 और ऑप्शन डी है F6। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एरिया में, किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F1 होती है। F1 से आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प ओपन कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ पर कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और वहाँ पे आपको उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप F1 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सही आंसर है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कंडीशन में जॉब फिक्स टाइम में कंप्लीट होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस कंडीशन में जॉब फिक्स टाइम में कंप्लीट होती है। यहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये निम्न में से किस कंडीशन में जॉब फिक्स टाइम में कंप्लीट होती है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा दिया गया है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो वह होता है जहां पर मल्टीपल प्रोसेस के बीच में CPU के टाइम को शेयर किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जहां पर एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन किए जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जहां पर एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर रन हो रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत आपने कंप्यूटर को यदि कोई इनपुट दिया तो कंप्यूटर उसका तुरंत आपको आउटपुट देगा रियल टाइम पर। आप इसको लाइव भी समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहता है हम किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, हमने एक काम दे दिया कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इससे बोला कि आपको इस काम को कंप्लीट करना है। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है हम कोशिश करेंगे, यदि वो काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि यदि हमें कोई काम दिया गया है और एक निश्चित समय दिया गया है तो हम उस निश्चित समय में आपका वो काम करके कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि अभी अपन को एक महीने का समय दिया गया है CPCT एग्ज़ाम के लिए। अब आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि ये काम करना चाहो तो आप दोनों रियल टाइम सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट रियल टाइम का और हार्ड रियल टाइम का। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का यदि आप यूज़ करोगे तो क्या सोचोगे आप, देखते हैं तैयारी करते हैं, यदि CPCT क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार दे देंगे। लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज़ करेंगे तो क्या होगा,
कि भाई हमें तो एक महीने का समय है, हमें सीपीसीटी क्वालिफाई करना है, तो हमारा आपको सजेशन है कि आप लोग हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें और पहली बार में ही अपने सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्लियर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिफ्ट की को दबाए रहने पर सिस्टम होता है। यदि आप अपने कंप्यूटर की जो शिफ्ट की है, कीबोर्ड की शिफ्ट की है, उसको कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है क्रिएट अ बैकअप, क्या कंप्यूटर बैकअप बनाने लगता है। ऑप्शन बी है रिफ्रेश हो जाता है आपका कंप्यूटर। ऑप्शन सी है कंप्यूटर बूट होता है सेफ मोड में। और ऑप्शन डी है ओपन हो जाता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को कुछ देर तक दबा के रखेंगे तो आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा सेफ मोड में। बूट होने का मतलब है कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है ना। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना, जो कि दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। इसको सॉफ्ट बूटिंग और हार्ड बूटिंग भी बोला जाता है। जब कंप्यूटर को अपन चालू करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस चलती है ना, तो हमारा कंप्यूटर सेफ मोड में चालू हो जाता है यदि हम शिफ्ट की को दबाकर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पहले से सीपीसीटी में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और नया क्वेश्चन है। जब भी आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो ये टेक्स्ट लिखा होता है, आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। मैक्सिमम लोगों से ये बन भी जाता होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। यदि आप अपने टेक्स्ट को एमएस वर्ड में अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस यू से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है, मतलब दो बार अंडरलाइन आनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये डबल अंडरलाइन कर दिया, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट डी, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट कंट्रोल डी और ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट अल्ट डी। तो इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंट्रोल डी तो था ही पहले से अंडरलाइन का, कंट्रोल यू होता है, कंट्रोल के साथ यू होता है अंडरलाइन का, अब कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डी का ध्यान रखना है। डी मतलब डबल अंडरलाइन, कंट्रोल यू पहले से थी तो कंट्रोल उससे ले लिया और डबल है तो डी ले लिया, अब बचा क्या? शिफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है सही शिफ्ट कंट्रोल डी। यदि आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है शिफ्ट कंट्रोल डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में ओनली टेक्स्ट को विदाउट स्पेस के अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आया हो, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, सुनना थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे मेरा ये क्वेश्चन लिखा है, यदि हम इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अंडरलाइन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी अंडरलाइन हो जाता है, साथ ही साथ बीच में जो स्पेस होती है वो भी अंडरलाइन हो जाती है ना। जब आप कंट्रोल यू से या रिबन से टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हो तो टेक्स्ट तो अंडरलाइन होता है, साथ ही साथ उसकी स्पेस भी अंडरलाइन हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है हमें केवल टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ना कि स्पेस को, उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे यूजर्स को इसका आंसर पता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल डब्लू, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट कंट्रोल डब्लू और ऑप्शन हमारा डी है शिफ्ट अल्ट डी। तो यहाँ पे विदाउट स्पेस पूछा गया है, विदाउट स्पेस मतलब आपको W तो याद रखना ही है, हमें स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना, तो W याद रख लीजिए। अंडरलाइन में कंट्रोल यूज होता है, कंट्रोल U है और उसके साथ क्या ले लेंगे आप? शिफ्ट। तो यदि आप शिफ्ट कंट्रोल W एमएस वर्ड में यूज करेंगे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन तो होगा लेकिन जहां जहां स्पेस होगा वहां पर अंडरलाइनिंग नहीं होगी। ये भी एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। एमएस वर्ड में यदि हमें केवल टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल W। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग रीसेट करने की शॉर्टकट की है। यदि आपने एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट लिख के रखा है और आपने उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करी है, मान लो आपने इसको अंडरलाइन किया है, इसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, आपने इसका कलर चेंज किया है, आपको वो फॉर्मेटिंग हटानी है और नॉर्मल जैसा टेक्स्ट होता है वैसा इसको करना है। तो एमएस वर्ड में यदि आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो, फॉर्मेटिंग को क्या करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये राइट की शॉर्टकट की होती है, राइट अलाइन की शॉर्टकट की होती है। ऑल्ट आर भी नहीं है, ऑल्ट डी भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कंट्रोल के साथ स्पेस बार। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है और जो भी फॉन्ट आपका सेलेक्ट होगा वो सब रीसेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने की है तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? आज की डेट में हर यूजर की ईमेल आईडी है, तो जब भी आप कोई ईमेल एड्रेस लिखते हो तो उसमें इनमें से कौन सा साइन या कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी में है एट द रेट, ऑप्शन नंबर सी में है डॉट, ऑप्शन नंबर डी में है अंडरस्कोर। तो आपने ईमेल एड्रेस यदि देखा हो तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट का यूज़ तो होता है, डॉट भी होता है, डॉट जीमेल डॉट कॉम, याहू डॉट कॉम, है ना, अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ईमेल एड्रेस में स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेस। जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनता है तो उसमें स्पेस नहीं दिया जा सकता है, ईमेल एड्रेस लिखते समय आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम यूजर्स को नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीपीसीटी में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे यूजर्स को डाउट होगा कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। जनरली अपन को पढ़ाया जाता है, अपन यूज़ भी करते हैं कि कभी भी हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना तो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। बट एमएस एक्सेल में पूछा गया है, एमएस एक्सेल में आप कंट्रोल बी से तो बोल्ड कर सकते हो, हो जाता है, कंट्रोल बी से तो बोल्ड होता है, लेकिन ऑप्शन में कंट्रोल बी नहीं दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी दूसरी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम टेक्स्ट को एमएस एक्सेल में बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी से तो होता है लेकिन ऑप्शन में ही कंट्रोल बी नहीं है। तो यदि आप एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो उसकी सेकेंड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टू। कंट्रोल बी से भी बोल्ड हो सकता है टेक्स्ट एमएस एक्सेल में और कंट्रोल टू से भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो एमएस एक्सेल में यदि आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को यदि बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल टू का यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में फाइल को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएस वर्ड चला रहे हैं, एमएस एक्सेल चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर ओपन है, आपको उस सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करना है, सिर्फ फाइल को क्लोज करना है। आपका कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके अंदर फाइल बनी होती है, फाइल ओपन होती है, तो आपको सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करना है, सिर्फ फाइल क्लोज करनी है। इस क्वेश्चन को जल्दी में पढ़कर कुछ लोग अल्ट प्लस F4 आंसर लगा सकते हैं। अल्ट प्लस F4 से आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। हमें प्रोग्राम बंद नहीं करना है, हमें क्या बंद करनी है, फाइल। यदि आप अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ही, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे F4 भी इसका आंसर नहीं है। एस्केप से किसी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस F4। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो और उस सॉफ्टवेयर में केवल आपको फाइल को क्लोज करना है, ना कि सॉफ्टवेयर को, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F4। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है। हो सकता है आपको इन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ईजी मिले, कुछ क्वेश्चन नए मिले, तो पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ टफ क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ईजी क्वेश्चन भी आते हैं और टफ भी आते हैं, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें केवल टफ क्वेश्चन पढ़ने, हमें ईजी क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, वहाँ पे आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाने के लिए, स्विच करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है?
ऑप्शन ए है अल्ट टैब, ऑप्शन बी है शिफ्ट टैब, ऑप्शन सी है कंट्रोल टैब और ऑप्शन डी है अल्ट कंट्रोल। तो जब आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हों और आपको डायरेक्ट एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब। अल्ट टैब से आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसका सही आंसर है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूजर्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बट आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि चारों एक से दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी में आप किसी गलत ऑप्शन को टिक ना कर दें, है ना। तो एमएस एक्सेल में जो पुराना वर्जन था, पुराने वर्जन थे एमएस एक्सेल के, उसका एक्सटेंशन होता था .xls, और यदि आपका नया लेटेस्ट वर्जन है तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यदि पुराना वर्जन है, यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है पेपर में एमएस एक्सेल 2000 का एक्सटेंशन बताइए, 2000 में होता था .xls, लेकिन 2007 से 10, 13, 16 जितने भी हैं उनमें क्या है xlsx, तो ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम यूजर्स को पता होगा पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है, आइकन समझते हैं, हमारे कंप्यूटर पर जो छोटे छोटे से ग्राफिक्स दिखते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का, जो हमें एक छोटा सा आइकन दिखता है, लोगो दिखता है, उसी को अपन आइकन बोलते हैं। तो आइकन भी एक फाइल के रूप में हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, स्टोर होती हैं, उनका भी अपना क्या होता है एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप एमएस वर्ड में फाइल बनाओ तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल में बनाओ तो अभी अपन ने पढ़ा xls होता है, पावर पॉइंट का .pptx होता है, आप कोई इमेज बनाते हो तो उसका jpg होता है, pdf फाइल का .pdf होता है। लेकिन आपने जो आइकन यूज़ करे हैं, अभी तक आप आइकन देखते आ रहे थे, उनका भी एक एक्सटेंशन होता है। मतलब आइकन भी आपके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं और उनका भी खुद का एक एक्सटेंशन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि आइकन का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है आइकन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ico, आइकन जो होते हैं कंप्यूटर में छोटे छोटे से, उनका भी अपना एक्सटेंशन होता है .ico। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइनक्स एक ब्लैंक है। अब लाइनक्स एक क्या है, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है या नेटवर्क है। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स। जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो वैसे ही लाइनक्स होता है, मैक होता है, आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ओपन सोर्स होता है। इसको आप लाइनक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। CUI का फुल फॉर्म होता है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूजर्स को इसका आंसर पता होगा। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां केवल कैरेक्टर से काम किया जाता है, जैसे कि विंडोज में DOS होता है, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर यूज़र केवल कमांड के द्वारा ही वर्क कर सकता है, वहाँ पर ग्राफिक्स का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पर आप माउस का यूज नहीं कर सकते हैं, हर काम को करने के लिए क्या होती है एक कमांड होती है, तो वो कहलाता है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, R login का फुल फॉर्म होता है। लॉगिन तो समझते हैं, लॉगिन मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन करना और अपने डेटा को एक्सेस करना, बट यहाँ पे R login का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। तो R login के फुल फॉर्म में जो ऑप्शन नंबर ए है वो रखा गया है Rent login, दूसरा है Rest login, तीसरा है Remotely login और चौथा है Refresh login। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला है, तो आपको इस R login को Remote login से ध्यान रखना है। किससे ध्यान रखना है? Remote login से। आप लोगों ने इंटरनेट में या नेटवर्क में पढ़ा होगा Remote login, तो इसका सही आंसर वैसे Remotely login है। Remote login होता क्या है? जब आप एक दूर रखे हुए कंप्यूटर को एक्सेस करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? Remote login।
जैसे मैं अपने घर से बैठ के आपके घर के कंप्यूटर को यदि चलाऊं तो वो क्या कहलाएगा, रिमोट लॉगिन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिमोटली लॉगिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कर्जर का एक्सटेंशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर्जर का एक्सटेंशन क्या होता है। आप देख सकते हो जो हमारा ये माउस का कर्जर है, इस माउस के कर्जर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, जो ये एरो है, या आपने अलग अलग स्टाइल के कर्जर देखे होंगे, कभी ये प्रोसेस वाले आइकन में बदल जाता है, कभी ये बेटिंग वाले आइकन में बदल जाता है, तो ये जो कर्जर है इसका भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, कर्जर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। अभी तक हम सोचते थे केवल फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, आज हमें पता चला आइकन का भी एक्सटेंशन होता है और कर्जर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है .cor, दूसरा ऑप्शन दिया गया है .cur, तीसरा ऑप्शन दिया गया है .curs और चौथा ऑप्शन दिया गया है .cu। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है .cur। आपको कर्जर के शुरुआत के तीन कैरेक्टर याद रखने हैं, वही इसका एक्सटेंशन होता है, बस आगे डॉट लगा होता है। जब भी कोई एक्सटेंशन बनता है तो उसमें डॉट से ही शुरुआत होती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क में पेन का फुल फॉर्म होता है। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पेन। आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा लैन, मैन, वैन। एक और टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है जिसका नाम है पेन। पेन मतलब छोटा एरिया नेटवर्क। यदि आपको छोटे एरिया के लिए कोई नेटवर्क बनाना है तो आप वहाँ पर पेन नेटवर्क बना सकते हैं। जो पेन नेटवर्क है, पेन एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक छोटा सा नेटवर्क यदि अपन बनाते हैं तो उसे बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो को अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की है। यदि आपने पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो उस प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए आप F5 का यूज़ करते हो। F5 जो शॉर्टकट की है पावर पॉइंट में वो किस चीज़ की होती है, स्लाइड शो की। स्लाइड शो मतलब प्रेजेंटेशन को रन करने की। लेकिन यदि आपकी प्रेजेंटेशन में 20 स्लाइड हैं और आप अभी 10वें नंबर की स्लाइड पर हो, और हमें प्रेजेंटेशन को 10वें नंबर की स्लाइड से ही यदि रन करना है, पहली स्लाइड से रन नहीं करना है, वही यहाँ पे पूछा गया है। पहली स्लाइड से रन करना तो F5 है शॉर्टकट की, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करना है। करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड पर अभी हम हैं, तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+1, Ctrl+F5, Shift+F5 या Alt+F5। तो F5 तो होती है बिगनिंग से, शुरुआत से रन करने की। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कंट्रोल के साथ यूज़ करना है, अल्ट के साथ करना है या शिफ्ट के साथ करना है। तो इसका सही आंसर है Shift+F5। यदि आप प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F5। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, अपने पास नोट करके रखें। अगली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।